सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी को। मैं हूं मनोज मेहरा, पेश है मेरा न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोन एडवाइजरी में। दोस्तों आज से फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो गई है। दोस्तों एसबीआई कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 5000 से ज्यादा की शॉपिंग पे। साथ ही दोस्तों फोन लेने पर आपको जियो का 60 GB डाटा एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 10,000 से 13,000 की रेंज के फोन की बात करेंगे, बेस्ट फोन कौन सा रहेगा। दोस्तों पहला फोन है Xiaomi Mi का Mi Max 2। दोस्तों 17,000 में फोन कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत 15,000 इस सेल में है। SBI कार्ड के डिस्काउंट से दोस्तों आपको ये 13,500 का पड़ेगा, तो लगभग ये 13,000 की रेंज में आ जाता है। दोस्तों इसमें 4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल है, 6.44 इंच डिस्प्ले है। दोस्तों ये एक बड़ी डिस्प्ले का फोन है। दोस्तों जिनको ये बड़ा फोन पसंद आता है, बड़े फोन जिनको ज्यादा बेहतर लगते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। 12 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है, 5300 mAh बैटरी है। दोस्तों इसकी बैटरी आराम से 2 दिन चलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है, जो काफी पावर इफिशियंट प्रोसेसर है, काफी अच्छी प्रोसेसिंग देता है, बैटरी भी काफी कम लेता है। साथ ही लेटेस्ट एंड्रॉयड 7.1 के साथ आता है, जो काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगले फोन की हम बात करें तो वो है मोटो G5 प्लस। दोस्तों अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो दोस्तों इस फोन का कैमरा इस रेंज में सबसे बेहतर है। दोस्तों ये फोन 17,000 का लॉन्च हुआ था करीब 3-4 महीने पहले, लेकिन ये आपको 13,000 में मिलेगा। साथ ही दोस्तों SBI का आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 1300 रुपये और कम हो जाएंगे। 4 GB 32 GB स्टोरेज है दोस्तों, 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 3000 mAh बैटरी है, 12 MP रियर कैमरा है, 5 MP फ्रंट कैमरा है। दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है बहुत अच्छा है, इस रेंज में बेस्ट है। दोस्तों अगले हम फोन की बात कर रहे हैं, अगर आपको सैमसंग के फोन पसंद है तो गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट, जो पहले कभी 15,000 करीब का मिलता था फ्लिपकार्ट पर, वो आपको 12900 का मिलेगा। इस पर भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 3 GB 64 GB स्टोरेज है, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 3300 mAh बैटरी है, 13 MP का रियर कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा। जिन्हें सैमसंग पसंद है उनके लिए बेहतर फोन है। दोस्तों अगर हम सेल्फी सेंट्रिक फोन की बात करें तो Asus Zenfone सेल्फी कुछ ही दिनों पहले 15,000 की कीमत में फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हुआ था। दोस्तों इस पे 1,000 का ऑफ है, 14,000 की कीमत में मिल रहा है, 10% डिस्काउंट से दोस्तों ये 13,000 की रेंज में आ जाएगा और 13 से कम हो जाएगा, 1400 रुपये का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। दोस्तों 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल, 5.5 HD डिस्प्ले, साथ ही दोस्तों 3000 mAh बैटरी, 16 MP का रियर कैमरा है। फ्रंट में दोस्तों दो कैमरे, एक 20 MP और एक 8 MP, दो कैमरे दिए हैं फ्रंट में। दोस्तों ये एक सेल्फी सेंट्रिक फोन है, अगर आपको सेल्फी पसंद है तो ये फोन बेहतर है। दोस्तों अगले हम फोन की बात करें तो Li Max 2 लगभग 1 से 1.5 साल पुराना फोन है, 18,000 की कीमत में मिलता था, 820 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, जो काफी हेवी था। इसका कैमरा 21 MP है, फ्रंट 8 है, 4 GB 32 GB स्टोरेज है, 3100 mAh की बैटरी है। दोस्तों ये फोन मैं आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन अगर आपको ली को पसंद है तो ही इसे लेना, क्योंकि इसके जो कंपनी है इंडिया में अपना कारोबार बंद कर चुकी है, धीरे धीरे सर्विस खत्म हो जाएगी, तो अगर आपको बहुत इससे लगाव हो तो ही इसे लेना, अन्यथा इसको इग्नोर करना। अगला फोन की हम बात करें तो Redmi Note 4 दोस्तों, जो 13,000 में मिलता था 464, आज आपको सिर्फ 11 में मिल रहा है डिस्काउंट के साथ, तो आपको 9900 में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी डील है दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो ये आपके लिए बेस्ट डील है। 4 GB 64 GB स्टोरेज है, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 4100 mAh बैटरी आराम से 1.5 से 2 दिन चलती है, 13 MP रियर कैमरा है, 5 फ्रंट है, स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है, जो काफी अच्छी प्रोसेसिंग देता है। दोस्तों अगले फोन की बात करें तो ये भी लगभग 12,000 में लॉन्च हुआ था और आज आपको मिल रहा है 11,000 की कीमत में, पेनासोनिक इलोगा रे, 4 GB 64 GB इंटरनल है, 5.2 का फुल HD डिस्प्ले है, 3000 mAh बैटरी, 16 रियर और 8 फ्रंट कैमरा है। साथ ही दोस्तों इनका अपना असिस्टेंट आर्गो भी इसमें आता है, तो दोस्तों ये भी लगभग 9900 पड़ जाएगा, तो अगर थोड़ा बजट कम है 13 से 10 के आसपास है तो बहुत अच्छी डील बन जाता है। दोस्तों यही है इस डील के बेस्ट फोन। दोस्तों कुछ और भी फोन है लेकिन उन्हें मैंने स्किप किया है, मैंने आपको वही बताए हैं जो बेहतर फोन है। तो दोस्तों अगर आपकी जैसी आपको सेल्फी चाहिए, आपको बैक कैमरा अच्छा चाहिए, आपको बैटरी अच्छी चाहिए, आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है 13 से 10 हज़ार की रेंज में, दोस्तों इनमें से कोई भी फोन आप ले सकते हो। दोस्तों और भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।